खीरा की तो बहुत सारी रेसिपी आप सभी लोगों ने देखा होगा, बनाया होगा और खाया भी होगा। आज बड़ा ही ज़बरदस्त रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं खीरा की। खीरा का सीजन है, खीरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर खीरा को आप सुबह सुबह में खाते हैं तो ऐसा कहावत है कि सुबह में हीरा, यानी हीरा जितना चमकदार होता है खीरा उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है शरीर के लिए। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि तीखापन होता है, तो इसके तीखेपन को हमने निकाल दिया है। लीजिए, हमने इसके छिलकों भी अलग, छिलके को भी अलग कर दिया है और इसको एकदम पतले पतले बिल्कुल बारीक पीस में इसको हमने काट लिया है। तो चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। अब ये हमने लिया हुआ है 1 कप बेसन। बेसन में थोड़ी गुठलियाँ हो जाती हैं तो बस उसी को चम्मच से हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं, यानी इसको बिल्कुल पाउडर के तरीके से कर दिया हमने। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले कुटा हुआ 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से लहसुन, ये सील बट्टे पे कुटे हुए हैं, उसमें पहले से ही मसाला कूटा गया था इसलिए थोड़ा सा काला हो गया है। 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 2 छोटी चम्मच चाट मसाला, ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा, चाट मसाला को बिल्कुल मिस ना करें, इसका स्वाद इसी से आएगा। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, अगर आपके पास फ्लेक्स है तो वो भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और अब 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। पहले तो जितना चीज़ें डाले हुए हैं उसको पहले बढ़िया से बेसन के साथ में मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले हर तरफ पहुंच जाए। ये रेसिपी फटाफट से बन करके तैयार हो जाती है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका पेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना टाइट, तो हल्का फुल्का आप रख सकते हैं लेकिन ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला हो गया तो पूरा बह जाएगा और खीरा में ऑलरेडी पानी होता है, अगर ये बह गया तो खीरा तो ऑलरेडी पानी छोड़ेगा, तो ये पूरी तरीके से आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो पहले थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम मिक्स कर लिए हैं और ये देखिए, जब थोड़ा सा मिक्स कर लिए तो हमें लगा कि थोड़ा सा पानी की और आवश्यकता हमें पड़ गई। तो अब तक हमने जो कटोरी हमने लिया था उस कटोरी में से थोड़ी सी हमने पानी इसमें, यानी 5 से 6 चम्मच हमने इसमें पानी अब तक डाल दिया है बड़ी चम्मच से, और ये अब इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। ये लिया हमने एक सैलेड खीरा का और इसको इस तरीके से डाला बेसन में और बढ़िया से इसको लपेटते हुए, जैसे कि लौकी का बचका बनता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको करना शुरू कर देना है। एक एक लपेटते हुए इसको डाल दीजिए। ये रेसिपी अगर आप बना करके खा ली ना तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, और इतने अच्छे से हमने इसको फेटा हुआ है तो आप देखिएगा ये कितना ज़्यादा फूल जाएगा, एकदम फूल फूल करके, जैसे इडली होता है ना फूला फूला, बिल्कुल वैसे ही ये हो जाएगा फूला फूला। और खाने में तो इसके स्वाद का कोई भी जवाब नहीं है, आप खुद बनाएंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो जितना स्पेस है डाल दिया हमने। अब एक तरफ हल्का हल्का सिक चुकी थी तो इसीलिए हमने दूसरी तरफ इसको पलट दिया है। पलटने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, जब एक तरफ लगे आपको थोड़ा साइड से ब्राउन दिखने लग जाता है, अगर एक तरफ लाल हो गया होता है तो बस उसे स्टेज पे इसको पलटना शुरू कर देनी है। अगर बीच में ही पलट देंगे तो बेसन जो है वो बहने लग जाती है तेल में। सब्जियों का चैनल है हमारा, इससे पहले हम लोगों ने 600 से अधिक सब्जी बना चुके हैं और डाल चुके हैं अपने चैनल पे। आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप जाकर के सब्जियां ज़रूर देखें। सब्जी की हर तरीके की रेसिपी, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हर चीज़ हमने डाला है जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और बिल्कुल पुरानी और देसी पद्धति की सारी चीज़ें हम लोग डालते रहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। और ये देखिए कितना ज़्यादा फूल चुका है, तो अब इसको हम निकाल देते हैं। इतना पतला पतला खीरा हमने काटा हुआ था लेकिन ये इतना ज़्यादा फूल चुका है कि लग रहा है कि इसके अंदर कितना कुछ भरा गया है। और बेसन का जो टेक्सचर है, वो लेयर जो है वो एकदम मोटा मोटा लेयर हमने रखा हुआ था इसलिए, क्योंकि खीरा जो है पानी इसमें से निकलता है, रिलीज़ करता है, इसलिए पानी अगर निकलेगा तो बेसन पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है और तेल में जा कर के उड़ने लगेगा, क्योंकि पानी डालने पे तेल में उड़ने लगता है तेल। इस वजह से हमने
बेसन का जो पेस्ट है लेयर था वो मोटा बनाया हुआ था। इसी तरीके से दूसरे बैच को भी हम करके तैयार कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, जितना स्पेस है उतना ही डालें, बहुत इसमें घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये चिपक सकता है। चिपक जाएगा तो फिर इसको टूटने में, इसको छुड़ाने में इसका पूरा नक्शा जो है वो ख़राब हो जाता है। ये देखिए कितना फूल चुका है, एकदम जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया से ये फूल चुका है। और अगर आप खा लिए ना तो आप हमेशा खीरा की ये रेसिपी ट्राई करेंगे और बनाएंगे। मेहमान आ जाए, घर में कोई आ जाए, या कोई दावत ही अगर आपने रख लिया है ना, तो एक रेसिपी ये भी बना लीजिएगा। कौन सी रेसिपी? खीरे का बचका। ये बचका बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसको आप ज़रूर से बनाइएगा, ट्राई करिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी और एकदम धमाकेदार रेसिपी के साथ में।